हम लोग यहाँ पर क्रिया योग ध्यान करने आते हैं और ये अनुभव हो रहा है कि पूरे विश्व में क्रिया योग ध्यान करने वालों की संख्या बढ़ रही है। एक बार इसको जो समझ लेता है फिर इसको कभी छोड़ता नहीं है। इसको समझने का अर्थ क्या है? अगर कोई क्रिया योग ध्यान समझता है तो उसके समझ में आता है कि जितने भी प्रॉफिट हुए हैं, पैगंबर हुए हैं, जितने भी सिद्ध संत हुए हैं, जिनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति थी, वह सभी लोग क्रिया योग करते थे। जब तक ये समझ में ना आए तब तक याद रखिएगा कि क्रिया योग समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा लगता है कि कबीर साहब जो ध्यान करते थे अलग था, नानक देव जी का अलग था, महर्षि पतंजलि का अलग, विश्वामित्र का अलग, वशिष्ठ मुनि का अलग, ये सब जो हम अगर ऐसा समझते हैं तो क्रिया योग समझ में नहीं आ रहा है। जब क्रिया योग समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल अनुभव होगा प्रमाण के साथ कि वशिष्ठ मुनि से लेकर के लाहिड़ी महाशय तक जितने लोग परम ज्ञानी के रूप में प्रकाशित हुए हैं, जैसे वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, अवतार थे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ब्रह्मर्षि वेदव्यास, कबीर साहब, नानक देव जी, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सब लोग एक ही ध्यान करते थे जिसका नाम क्रिया योग था। बस उसका समय के अनुसार उसका नाम अलग अलग पड़ गया। जैसे प्राचीन भारत में यज्ञ कहा जाता था, क्रिया योग ही यज्ञ है। इसलिए लाहिड़ी महाशय ने स्पष्ट किया कि जो क्रिया योग करते हैं सर्वोच्च यज्ञ है। जो गीता में बात होती है भक्ति की, भक्ति और ज्ञान और कर्म तीन की चर्चा श्रीमद् भगवद गीता में है, जब क्रिया योग करिए तो स्पष्ट होगा कि ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों एक साथ वैसे ही मिले हैं जैसे अग्नि के साथ, जिस चीज से अग्नि प्रकट हो रही है वह वस्तु, अगर आप कोयला लीजिए तो कोयला और अग्नि, अग्नि की गर्मी, ये सब एक ही है। जब क्रिया योग का अभ्यास करेंगे तो ये अनुभव होगा कि जो चीज़ें हम सुनते हैं अलग अलग हैं, अलग अलग नहीं हैं, सब एक ही है। जब ऐसा पता चलता है तो एक एकता स्थापित होती है। फिर ईसा मसीह ने क्या किया था? ईसा मसीह का अभ्यास करने वाले क्रिश्चियन थे, कृष्ण भगवान का अभ्यास करने वाले हिंदू थे, मोहम्मद साहब के नियमों पर चलने वाले मुसलमान कहे जाते हैं, तब इन सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो जो प्राचीन काल का यज्ञ है वही वर्तमान का क्रिया योग है और सभी पैगंबरों ने वही किया है। जब समझ में आ गया तो अंदर में एकता स्थापित होती है, फिर किसी किसी में अंतर नहीं लगता। बस अंतर इतना ही दिखेगा, किसी का अभ्यास ज़्यादा हुआ, किसी का कम। अगर दो लोग हैं, एक आदमी गाड़ी चलाने का रोज अभ्यास करते हैं और एक व्यक्ति केवल हफ्ते में एक दिन एक घंटा गाड़ी चलाते हैं, तो दोनों व्यक्ति महान हैं, लेकिन अभ्यास के आधार पर एक व्यक्ति जो रोज गाड़ी चलाते हैं ये अच्छी गाड़ी चला लेंगे। अच्छी गाड़ी चला लेने से वो महान हो गए, जो गाड़ी अच्छी नहीं चलाते महान नहीं है ये कहना ये अज्ञानता है। और जो गाड़ी कभी चलाना सीखा ही नहीं वो भी उतना ही महान है। इसलिए एक प्रमुख अनुशासन है अभ्यास। जितना जो अभ्यास करेगा, अभ्यास जैसे जैसे करता जाएगा, अपने अंदर का छिपा हुआ ज्ञान, शक्ति, शांति, आनंद, ये सब खुलता जाएगा। वही व्यक्ति जो कष्ट में रहता है अभ्यास के बाद परम आनंद में रहेगा। वही व्यक्ति जो हमेशा निराश रहता है अभ्यास के बाद एकदम उत्साह में रहेगा।
वही व्यक्ति जो कहता है कि हमारे भाग्य में कुछ नहीं है, अभ्यास करने वाला व्यक्ति भाग्य का निर्माता होता है। इसलिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। तो हम इस तरह से क्रियायोग को सीखें कि अभ्यास अपने आप होने लगे। ये समझ में नहीं आएगा कि अभ्यास अपने आप कैसे होगा। जैसे हम हाथ उठा रहे हैं, जब उठाएंगे तो उठेगा, लेकिन जो हार्ट की मांसपेशियां हैं, हृदय की मांसपेशियां अपने आप उछल रही हैं, वो ऑटोमेटिक है। जैसे किडनी का काम, हार्ट का काम और अनेक अंग हैं, ये सब अपने आप हो रहा है, स्वचालित है। लेकिन हाथ और पैर को हम चलाते हैं तभी चलते हैं। वैसे अभ्यास में भी है, जब हम क्रियायोग का अभ्यास अच्छी तरह से सीख लेंगे तो कुछ अभ्यास ऐसा है जो हमेशा होता रहेगा। काम कर रहे हैं तब भी, नहीं काम कर रहे हैं तब भी, कुछ अभ्यास को हमें कॉन्शसली करना पड़ेगा, सजग होकर करना पड़ेगा। इसका अभ्यास करते जाइए, बस कोई भी दिक्कत हो उसका उत्तर पाने के लिए और अभ्यास करिए। जो उत्तर सुन करके आप पाते हैं वो अधूरा होता है, जो किताबों में पढ़ते हैं प्रश्न और उत्तर अधूरा होता है, अभ्यास करके उत्तर की अनुभूति होती है। जो उत्तर किताबों में पढ़ते हैं, जैसे किताबों में पढ़ेंगे क्या भाई, संभाव से रहे, पढ़ लिया तो संभाव है क्या, कैसे समझेंगे, डिक्शनरी खोलेंगे, देखेंगे उसका जो अर्थ निकलेगा उसको सोचेंगे, कितना भी सोचिए समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब अभ्यास करेंगे तो संभाव की अनुभूति में होंगे तब उसको समझ पाएंगे। ये है महत्वपूर्ण चीज जिसको जानना जरूरी है। तो हम लोग सिर्फ ये प्रयास करें कि हम अभ्यास कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। आज का विषय ये होगा कि हम अभ्यास अधिकतम कैसे करें। Try to go deep into this thought. God means all in all. All in all means power, knowledge, peace and bliss and joy. Ever new joy, ever new peace, ever new power, ever new knowledge. Omnipresenceness, immortality. This is the call nature of God.